दोस्तों, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो तो आप अभी से ही क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दो और पढ़ाई भूल जाओ। अगर आप एक पेरेंट है और अगर अपने बच्चे को आईएएस या फिर इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो अभी से ये सब भूल जाओ और उसे क्रिकेटर बनाने की कोशिश करो या क्रिकेट कोचिंग दिलवाना शुरू कर दो, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि इन सब में कुछ नहीं रखा। अगर जल्दी से पैसा बनाना है और बहुत सारा पैसा बनाना है तो क्रिकेटर बन जाओ जैसे तैसे भी, और आईपीएल खेलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आईपीएल में खिलाड़ियों की बोली नहीं लॉटरी लग रही है। जी हाँ, आज 2024 के आईपीएल ऑक्शन यानी कि खिलाड़ियों की बोली लगाई जा रही है, जहां इन खिलाड़ियों के ऊपर जमकर करोड़ों रुपए बरस रहे हैं, जिनमें से दो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज गेंदबाजों ने करोड़ों रुपए इस आईपीएल की बोली में छाप लिए हैं। और ये खिलाड़ी हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है, और उनके साथी खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, जिन्होंने आईपीएल में नीलामी का नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्हें खरीदने के लिए कोलकाता ने 24.75 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। वही पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदने के लिए 20.50 करोड़ की बोली लगाई है, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है किसी भी आईपीएल ऑक्शन में। यह बात तो सभी को पहले से ही पता था कि इन खिलाड़ियों के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाई जाएगी, लेकिन यह अमाउंट 20 करोड़ के पार हो जाएगा यह किसी ने भी नहीं सोचा था। और टीम के ओनर्स भी किसी भी प्लेयर को खरीदने की बजाय किसी इक्का दुक्का ऐसे प्लेयर्स को खिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा मैच विनर साबित हो और जिसने पास्ट में काफी ज्यादा मैच जिताए हों। और पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क अपने कंट्री के ये एक मैच विनर साबित हुए हैं। हालांकि पैट कमिंस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अब तक का आईपीएल रिकॉर्ड बॉलिंग के हिसाब से इतना कुछ खास नहीं रहा, लेकिन सनराइजर्स ने शायद उन्हें इसलिए खरीदा क्योंकि अब की बार वो कैप्टनसी की जिम्मेवारी उन्हीं को देना चाहते हैं। वहीं कोलकाता को एक बेहतरीन बॉलर और एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत थी जो विकेट टेकिंग हो और लेफ्ट हैंडेड हो, इसलिए वो शुरू से ही मिचेल स्टार्क के ऊपर बड़ी बोली लगाने के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने एक बार फिर से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग अमाउंट में इस खिलाड़ी को खरीदा है। एक सीजन में उन्होंने मिचेल स्टार्क के ऊपर लगभग 16 करोड़ की भी बोली लगा दी थी और उन्हें अपने टीम में भी ले लिया था, लेकिन उस सीजन में मिचेल स्टार्क खेल नहीं पाए थे और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। इससे पहले मिचेल स्टार्क सिर्फ आरसीबी के लिए एक सीजन खेल चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ी के अलावा कुछ और ऐसे खिलाड़ी है, खासकर न्यूजीलैंड के कुछ खिलाड़ी, जिनके ऊपर अच्छी खासी रकम लगाई गई है आईपीएल ओनर्स द्वारा, जिनमें से एक खिलाड़ी है डैरिल मिचेल, जिनके ऊपर सीएसके ने 14 करोड़ की बोली लगाई और अपने टीम में उन्हें शामिल कर लिया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के ओपनिंग बैट्समैन और सेंसेशन क्रिकेटर रचिन रविंद्र को भी अपने टीम में शामिल कर लिया है। आरसीबी से खेल चुके हर्षल पटेल के ऊपर पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ 75 लाख की बोली लगा दी। उनके अलावा वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर अल्जारी जोसेफ के ऊपर आरसीबी ने अपने 11 करोड़ 50 लाख की बोली लगाई। वही रवमन पावल के ऊपर भी राजस्थान रॉयल्स ने लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं उन्हें बाय करने के लिए। तो भैया, इंडियन क्रिकेट में और खासकर की आईपीएल में खिलाड़ियों के ऊपर जमकर पैसा खर्च किया जा रहा है आईपीएल ओनर्स द्वारा।